राम राम किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ महिंद्रा के शोरूम जो कि बदनार में है। और आज आपके लिए बहुत ही खास ट्रैक्टर, ये देख लीजिए, आपको वीडियो में देखते से ही लग गया होगा कि खास ही ट्रैक्टर है ये, महिंद्रा नोवो 655 DI CRDI AC केबिन के साथ में 4x4 CRDI ट्रैक्टर है। और आइए हम इसके CRDI फंक्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें 3822 cc का आपको इसमें इंजन मिल जाता है, जो कि 68 HP का आपको इसमें इंजन मिलता है। 2100 RPM पर अपनी मैक्स पावर निकालता है और इस ट्रैक्टर में आपको 271 Nm का हाई टॉर्क मिल जाता है और CRDI टेक्नोलॉजी के बेस्ड ऊपर इसका आपको इंजन मिलता है। और अगर हम CRDI टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें यह होता है कि नॉर्मल ट्रैक्टर से CRDI जो ट्रैक्टर होता है वो 25% ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, कम फ्यूल पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है जो CRDI ट्रैक्टर होता है वो। और मैं बता देता हूँ इस ट्रैक्टर में आपको जो अपने CRDI के 3 मोड मिलते हैं आपको इसमें, देख लीजिए आप, इसमें पावर और डीजल सेवर और नॉर्मल, देख लीजिए आप ये 3 मोड मिलते हैं आपको इसमें। आप अपने यूज़ के हिसाब से अपना मोड लगा लीजिए। और जो CRDI है मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, उसका मैं बता देता हूँ आपको, तो उसमें जो एक ECU यूनिट होती है वो क्या बताती है कि जो अपना जो पिस्टन है उसके किस पिस्टन पे कितनी मात्रा में फ्यूल देना है। इंजेक्टर लगे होते हैं तो वो सब ECU कमांड लेती है अपने मोड के हिसाब से और वहाँ पर देखती है। और जो अपना जो इसमें पंप होता है उसमें प्रेशर हाई रहता है, उसकी वजह से जो अपना एयर में फ्यूल अच्छे से मिक्स हो पाता है और उससे कंपनशन अच्छा होता है, जिससे कि क्या होता है कि अपना जो ट्रैक्टर है वो ताकत और एवरेज अच्छा मिलता है इस ट्रैक्टर में जो आता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें टर्बो भी लगी हुई है, टर्बो चार्ज इंजन भी है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको टर्बो में बता देता हूँ एक मिनट, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको टर्बो दी गई है, ये देख लीजिए। तो इसकी डिटेलिंग वगैरह सब चीज़ें की बात कर लेते हैं, तो आइए ट्रैक्टर के फ्रंट लुक से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ फ्रंट से लुक है। यहाँ पर आपको बम्पर देख लीजिए, प्लेट वाला बम्पर आपको मिल जाता है इसमें, ये देख लीजिए 4x4 है। तो इसमें जो 4x4 है वो सक्सेस ही इसी कारण होता है, अगर उसमें आके अगर आपका वेट नहीं रहेगा तो आपका ट्रैक्टर 4x4 लेने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 27 kg की आपको इसमें एक प्लेट मिल जाती है, तो आपको इसमें कितनी प्लेट मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट आपको इसमें मिल जाती है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरी गणित थोड़ी कमज़ोर है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको फ्रंट शोक है, उसके लिए भी आपको आपका गार्ड वगैरह मिल जाती है। और इसका कलर की अगर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार मेटालिक पेंट मिलता है आपको इस ट्रैक्टर में, ये देख लीजिए मेटालिक पेंट। और ये देख लीजिए बेजिंग की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको महिंद्रा की बेजिंग नोवो 655 की बेजिंग भी आपको इसमें मिल जाती है, ये देख लीजिए। और आपको फ्रंट में जाली ताकि रेडिएटर को अच्छे से हवा मिल सके, यहाँ पर आपको जाली महिंद्रा का लोगो देख लीजिए आप। इस साइड से अगर बात करें हम तो यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो नोवो 655 DI और यहाँ पर एम बूस्ट, इसकी जो लिफ्टिंग वगैरह है डीजी सेंस जो कि महिंद्रा के साथ आती है, उसकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट टायर साइज़ की अगर बात करें तो आपको इसमें 9/5 का आपको इसमें फ्रंट टायर मिल जाता है हेवी, देख लीजिए अपोलो का। वहीं बैक टायर साइज़ की अगर बात करें तो आपको इसमें 16/9/28 का आपको इसमें बैक टायर मिल जाता है। साइड से लुक की अगर ट्रैक्टर के लुक की बात करें तो ये देख लीजिए, ये कुछ ट्रैक्टर का लुक है। अब आइए ट्रैक्टर के बैक से हम बात कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ बैक से लुक है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये जो ट्रैक्टर है महिंद्रा नोवो 655 DI, इसमें आपने ये गोल्ड स्टार समाना की जो है वो AC केबिन भी लगा हुआ है, उसके बारे में भी डिटेल मिलेगी आपको इसमें बैक से, देख लीजिए आप। ये कुछ ट्रैक्टर का बैक लुक है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये देख लीजिए पीछे से कुछ डीजल टैंक की अगर बात करें तो डीजल टैंक इसमें आपको
ऊपर तो मिलता है ये साइड से आपको, यहाँ पर आपको नीचे भी आपको इसमें जो डीजल टैंक है कोल्ड स्टार समाना द्वारा वो भी दिया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में इंजन स्पेसिफिकेशन जो है फ्रंट में आपको देख लीजिए टायर पे ऊपर फेंडर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आइए अब इस ट्रैक्टर के अंदर चढ़कर मैं आपको इसके अगर जो फीचर्स वगैरह है वो बता देता हूँ मैं, कि जो अपने एसी केबिन लगा हुआ है इसमें उसके आपको फीचर्स दे देता हूँ। यहाँ पर आपको देख लीजिए गेट मिल जाता है लॉक के साथ में आता है। आइए ऊपर चढ़कर अब इस ट्रैक्टर का मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए बिल्कुल कार स्टाइल में आपको बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होगी। ये देख लीजिए आप इसका केबिन, ये यहाँ से देखने में आपको ऐसा, यहाँ पर आपको सारे जितने भी फीचर्स वगैरह इसमें स्विचेस वगैरह इसके लाइट वगैरह उसके वाइपर वगैरह के स्विचेस आपको मिल जाते हैं। एसी केबिन है तो यहाँ पर आपको एसी टेम्परेचर वगैरह का यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाता है। और म्यूज़िक सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है, तो म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स वगैरह डीवीडी वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। देख लीजिए थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। स्पीकर वगैरह भी आपको इसमें सोनी के आपको स्पीकर वगैरह पूरा जो मतलब किसान की सिक्योरिटी है वो सारी आपको इसमें मिल जाती है। कभी दूध वगैरह पानी वगैरह बरसात में ठंड में आप हर सीज़न में आपको सेफ्टी ही रहेगी इसके अंदर। देख लीजिए आप ये कुछ स्पेस देख लीजिए, यहाँ पर आपको खुला डोला प्लेटफॉर्म जो इसका फ्लैट प्लेटफॉर्म आता है, कोई भी सस्पेंडेड टाइप का आपको इसमें पेडल भी मिल जाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर इसके फेंडर वगैरह देख लीजिए आप, ये इस साइड देख लीजिए आप इसका पार्किंग ब्रेक वगैरह पीटीओ लीवर गियर। और इसके पीछे बैक से आपको बता देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए बैक में भी आपको यहाँ पर जैसे कांच वगैरह खोल सकते हैं। और ये देख लीजिए बैक में भी आपको देखने वगैरह में कोई भी समस्या वगैरह नहीं आने वाली है। ये देख लीजिए आप पीछे से भी, पीछे भी आपको वाइपर मिल जाता है। यहाँ पर देख लीजिए लाइट वगैरह एसी के लिए, यहाँ पर ये देख लीजिए म्यूज़िक, साइड से फेंडर वगैरह देख लीजिए आप, ये साइड से फेंडर है कुछ। यहाँ पर आपको बैक मिरर मिल जाता है, देख लीजिए आप मिरर इस साइड, और बाहर भी आपको मिरर मिल जाते हैं बड़े बड़े, आपको पीछे से व्यू जो है वो भी आ जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये, जो ओनर है प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो ओनर है उन्होंने ये ट्रैक्टर जो है वो 17 लाख में लिया है ऑन रोड, और 3 लाख में ये आपको मिल गई है इनको, मतलब एसी केबिन 3 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए आप, मतलब 20 लाख में पूरा ये ट्रैक्टर ओनर को पड़ा है। ये देख लीजिए आप, अब इसके अंदर के आपको और चीज़ें बता देता हूँ, एक मिनट देख लीजिए आप इसको स्पेसिंग वगैरह देख लीजिए, ये स्पेस वगैरह जो है, सीट जो है वो भी आपको इसमें एयर सस्पेंशन वाली मिलती है, शो मतलब कि वेट के हिसाब से आप इसका बढ़ा सकते हैं। इसकी हार्डनेस वगैरह बिल्कुल कार जैसी फीलिंग देती है सीट आपको, नॉर्मल ट्रैक्टर में जैसे कि नहीं है जो पंप के साथ आती है वो वाली नहीं, ये एयर सस्पेंशन वाली सीट है जो कि गोल्ड स्टार समाना से ही मिली है, मतलब कंपनी ने ही, मतलब कि वहाँ की जो गोल्ड स्टार समाना जो कंपनी है उन्होंने ही दी है। देख लीजिए ऊपर आपको हेडलाइट वगैरह लाइट वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये। आइए हम इस ट्रैक्टर के जो इसका 4x4 मैकेनिज्म है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए आपको इसमें ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलती है, देख लीजिए ये जो इसका हेवी, काफ़ी हेवी आपको इसमें जो इसका फ्रंट एक्सल है वो मिल जाता है। 4x4 की जो रोड है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बैटरी का बॉक्स मिल जाता है, और ये देख लीजिए 4x4 की रोड जो है वो यहाँ से जा रही है, देख लीजिए। इस ट्रैक्टर में आपको 68 HP का आपको इस ट्रैक्टर में इंजन मिलता है, CRDI जो इंजन है, CRDI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो इसका इंजन है, 4x4 यह ट्रैक्टर है। इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में जो लिफ्टिंग कैपेसिटी वगैरह है वो इसमें महालिफ्ट मिलती है, कंपनी ने बहुत बदलाव किए हैं इसमें, महालिफ्ट आपको इसमें मिल जाती है जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो 2700 kg की है। और इसकी पीटीओ पावर की अगर हम बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में जो पीटीओ पावर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 58 HP के आपको इसमें ट्रैक्टर में पीटीओ पावर मिल जाती है।